इसी एक्सप्रेस के 99 स्टोर का एक और ब्रांच अपोजिट सीता क्लिनिक तेजस कॉम्प्लेक्स बिगम बाजार में खुल चुका है। फ्रेंचाइजी और दीगर तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रابطہ पैदा करें। आप सबका इस्तकबाल है सिटी न्यूज 24x7 पर। श्रुति नामी खातून ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में अपने आशी के खिलाफ शिकायत दर्ज की। तफसीलात के मुताबिक 7 साल पहले श्रुति और शिवम दोनों इंगेज हुए थे, जिसके बाद श्रुति ने शिवम पर शादी करने का जोर डाला, जिसके बाद शिवम बहाना बनाना शुरू कर दिया। शिवम ने कहा कि उसके घर की हालत सही नहीं है और श्रुति ने शिवम को 10 लाख रुपए दिए घर को कंस्ट्रक्ट करने। कुछ दिन बाद दोबारा शिवम ने श्रुति से ऑटो ट्रॉली की मांग की। श्रुति को शक आने पर श्रुति ने ह्यूमन राइट्स कमीशन में शिवम के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। आइए सुनते हैं आगे की तफसीलात। हर अहम और ताज़ा तरीन खबरों के लिए सिटी न्यूज़ 24x7 को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर लाइक करें। मेरी इंगेजमेंट होके 7 ईयर हो रहा, उनका नाम शिवा सिंह है और ना उन्होंने मुझे टॉर्चर करता था, फिर ना मुझे इंगेजमेंट करके शादी 1 ईयर में कर ले तो बोल के बोला, दहेज के लिए सताया, फिर मुझे दहेज के लिए सता के बोला कि मैं अभी कर ले तू कल कर ले तू, बस मुझे पेंडिंग पे रखते गए उन्होंने। मुझे ऐसा फुसला के करके उनके साथ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रखा, फिर मुझे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं बोली चलो शादी कर लेंगे, बोले उन्होंने बोला मेरे पास घर नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं अभी नहीं करती आपसे शादी, मेरा घर बनाने बात करती तो ठीक है इनका कुछ हल निकाल लो बोल। तो मैंने बोला कि ठीक है आप ही बोलो कुछ हल निकाल। मुझे टॉर्चर करा, मारा उन्होंने, दहेज के लिए मारता था करता था। मेरी मम्मी से पूछा कि आप पैसे लाके दो मैं घर बना ले तू मेरा वो बना ले तू, बोलते ठीक है। मम्मी ने बोला कि ठीक है, बोल के उनको हमारी ज़मीन जो माटी केच करा के उनको पैसे लाके 10 लाख रुपए घर से लाके दी मैं। फिर उन्होंने मुझे दहेज के लिए फिर भी परेशान करा कि मुझे ट्रॉली दिए तो ही उन्होंने घर भी बना लिया, घर बना कर भी मुझसे शादी नहीं किया। कितना उनको 10 लाख रुपीस दिया कैश दी, फिर उन्होंने बोला कि नहीं फिर मुझे ट्रॉली चाहिए, फिर ट्रॉली चाहिए तो मैंने बोला कि अभी नहीं मेरे पास अभी उतना नहीं है, जो मेरे डैडी नहीं है कुछ नहीं, हमारे पीछे कोई भी नहीं है, मेरे फैमिली मेंबर जिसने हैं आपको पता है हमारे घर की परेशान है, फिर भी आप हमें नक्को सताओ या ऐसा मत करो मेरे साथ, जितना है उतना मैं खुश रहो, नहीं मुझे ट्रॉली चाहिए चाहिए बोल दो ठीक है मैं शादी कर लो आप मैं दिला के दे देते, मतलब रिश्ता तुम मेरे साथ रख रहे ना वही बहुत बड़ी बात है, फिर आपको 10 लाख दी ना उसके वजह से क्या करा मालूम हूँ ना। रिलेशनशिप किम कर चुकी हो? मुझे ना उनके घर पे लेके जाके मेरे पास से 10 लाख रुपए लेके भी उनके साथ उनके मोहल्ले वालों को भी सबको पता है हस्बैंड वाइफ का रिश्ता रखा मेरे साथ, फिर भी मुझे बार बार टॉर्चर करा कि ट्रॉली दिला के, उनके भाई की शादी होने के बाद भी मुझे शादी कर तू बोल के बोला, 5 महीने हो गए उनके भाई की शादी हो के फिर भी मुझे नहीं करा उन्होंने, फिर भी मुझे ट्रॉली बोल के यही बात पर रोक दिया। फिर मैं चलो शादी कर लेंगे बोल तो मेरी मम्मी को बुलाई, मेरी मम्मी से बात कराने लगा चलो शादी, मेरी मम्मी से भी उन्होंने धक्केबाजी से बात करा, बात करके बोला कि मैं अभी शादी नहीं करती आप ऑटो दिला के दिए ही तो मैं शादी करती उनके साथ, तो मैंने बोला चलो आप अभी शादी कर लेंगे बोल तो नहीं मैं नहीं करना चाह रहा शादी उनके साथ, मुझे ट्रॉली चाहिए बोल तो मैंने बोला की थी मैं, लेकिन जब तक मेरी बहन से जो है आप शादी, मैं शादी के लिए बोले तो उन्होंने बोला अभी तो कुछ नहीं होगा तुम दिए तो ट्रॉली दिए तो ही वो शादी कर, फिर ना मैं मेरे को क्या करा उन्होंने उनके घर पे मेरे लिए अलग सेपरेट रूम था उन पे लेके जाके मुझे बदतमीजी करा, मेरे साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करा, मुझे रेप करा, फिर यह सब रिश्ता मेरे साथ रखने के बाद भी उन्होंने नहीं करा मुझे, फिर क्या करा मेरी बहन से लेके जाके रिलेशनशिप लगा, उसको किडनैप करा, किडनैप करके उनको लाया, अभी उनका मुझे पता नहीं सब मेरे को, अभी मैं ह्यूमन ट्रेस्ट में हूँ, मुझे इस चीज़ का इंसाफ चाहिए, मुझे पुलिस स्टेशन से कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा, कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा, और कौन से पुलिस स्टेशन सैफाबाद PS से मुझे कुछ इंसाफ नहीं मिल रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मैं बहुत पुलिस वालों को जाके बोल रहा हूँ कि मेरा इंसाफ करो कुछ तो करो, आप अकेले को ही पकड़े उनके कुछ है उनको भी लाओ मेरा जो है इंसाफ करो, कितने लोग हैं टोटल 7 जने 7 जने उन लोगों को भी कुछ लाओ उनका मेरा इंसाफ करो, मेरा जितना है मुझे वो दिला तो दो। आप जो और के एलिगेशन जो लगा रहे हैं और भी लोग थे वो सब थे उनको इन्वॉल्व करे, पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं हम जाके जेल में बैठना क्या उन लोगों को पकड़ के, भाई हम केस करें फिर हमारे को इंसाफ कराना पुलिस वालों का काम है ना, हम कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हमारे को। तो अभी क्या चाह रहे हैं आप?
मुझे इंसाफ चाहिए, ह्यूमन राइट्स से मैं इंसाफ मांग रहा हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए बस। इंसाफ चाहिए, इंसाफ की उम्मीद ह्यूमन राइट्स से है, मुझे इनसे ही चाहिए। अभी पुलिस वालों से कुछ भी नहीं हो रहा, देख ली मैं घूम फिर के देख ली, कुछ भी नहीं हो रहा उनसे। इजी एक्सप्रेस 99 स्टोर ऑल इन वन, हर आइटम 99 रुपीस में, बेगम बाजार थर्ड फ्लोर अजीज प्लाजा। पूरा सेटअप यहाँ पर ही है और अंदर सुनेंगे आपको पूरे के पूरे लैंडिंग में मिलेगा।